चेक दिस आउट गाइस, स्विफ्ट कैसी लग रही है। ये एक्चुअली वही स्विफ्ट है जिसका रैप होना था और मैंने आपको कलर गेस करने के लिए बोला था, जो कि कोई भी सही कलर गेस नहीं कर पाया था। तो अब चेकआउट करो कितनी बढ़िया लग रही है। और कलर हुआ था इसका डार्क ग्रे। सो गाइस, अलॉयज भी कस्टम पेंट हैं। एंड आई टोल्ड यू बिफोर, पहले वाली व्लॉग्स में, ये गाड़ी पूरी लोअर्ड है कैनबे के, इसमें लोअरिंग स्प्रिंग्स लगे हुए हैं। अंदर से भी देखो, चेक दिस आउट, पूरी एल्केंटारा रूफ है गाइस। और पीछे HKS का एग्जॉस्ट लगा हुआ है एंड दिस इज स्ट्रेट पाइप। पीछे से लाइट्स देखो, लुक्स ऑसम। और एक चीज़ जो मैंने आपको नहीं दिखाई या दिखाना भूल गया, ये देखो प्रोजेक्टर के अंदर भी ऑटोबॉट्स लिखा हुआ है। सो लुक्स अमेजिंग। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो पता तो लग ही गया होगा कि मैं कहाँ पे हूँ। ऑटोबॉट्स तो स्विफ्ट मैंने आपको दिखा दी। अगर इसके बारे में और डिटेल चाहिए हो, कुछ भी पूछना हो, कमेंट कर देना, एक वीडियो और बना देंगे। यहाँ खड़ी है क्रेटा, जिसके मैंने पहले भी अलॉयज दिखाए थे, बहुत अमेजिंग अलॉयज लगते हैं मुझे इसके। अंदर चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या है। वैसे अंदर ना नई वाली थार आई हुई है और उससे PPF होनी है, तो आज आपको नई वाली थार भी चेकआउट करवाऊंगा। सो लेट्स गो इनसाइड। सो गाइस, अंदर आते ही सबसे पहले खड़ी है मर्सिडीज ई क्लास E350D टॉप मॉडल V6 वेरियंट। इसमें ऑडियो काम चल रहा है। एंड उसके बाद वी हैव द स्कोडा ऑक्टाविया। इसके फोग लैम्प्स में ज़िनॉन प्लैनेट के मिनी प्रोजेक्टर लग रहे हैं, तो वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। एंड वो खड़ी है थार न्यू वाली, तो इस पर PPF होनी है, पेंट प्रोटेक्शन फिल्म। एंड इट लुक्स स्टनिंग। मतलब ये फर्स्ट टाइम है कि मैं भी इतने क्लोज से इसको देख रहा हूँ, सड़क पे चलती हुई तो देखी है। अभी मैं अंदर ही बैठ के देखूँगा, आपको भी दिखाऊँगा। एंड बेस्ट पार्ट इज़ जो महिंद्रा ने इसमें अटेंशन टू डिटेल दी है ना, दैट इज़ अमेजिंग। एंड आई एम रियली सॉरी अबाउट कि बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत आ रही होगी, बिकॉज लॉट्स ऑफ पीपल हेयर, बहुत काम चल रहा है। तो लाइट भी आने येलो करवा रखी है, प्लस फॉग लैम्प्स भी। एंड ओवर हेयर वी हैव द इंडिकेटर और ये है इसके पार्किंग लाइट। साइड पे यहाँ पे इंडिकेटर एंड अलॉयस पे थार लिखा हुआ है। एवरी साइड अटेंशन टू डिटेल बहुत बढ़िया दिया है महिंद्रा ने, लुक्स अमेजिंग। तो ये वाली इस पे पेंट प्रोटेक्शन फिल्म होनी है। दिस इज़ द प्राइम सीरीज, इट विल कॉस्ट यू अराउंड 45,000 प्लस। इस पे भी डिटेलिंग भी होगी थोड़ी, ताकि जो भी थोड़ी बहुत धूल मिट्टी स्क्रैचेज हैं वो चले जाएँ, बिकॉज एक बार ये फिल्म चढ़ गई सो इट्स लाइक अ लेमिनेशन। तो अंदर से जैसी गाड़ी है वैसी ही आपको दिखेगी, बिकॉज अगर गंदी होगी, गंदी पे लेमिनेशन चढ़ गई तो वैसे ही दिखेगी। तो डिटेलिंग करना इज़ इम्पॉर्टेंट। थार अटेंशन टू डिटेल इज रियली नाइस इन दिस कार, बहुत प्यारी लग रही है। और यहाँ लगे हुए सन्नी भैया विद उमेश भैया। तो इसका स्पेयर टायर खोला जा रहा है, बिकॉज पेंट प्रोटेक्शन फिल्म चढ़ेगी। तो एक बार आपको अंदर से दिखाता हूँ, चेक दिस आउट अगेन। थार नाइस पॉकेट, अंदर चलते हैं। सो वी हैव द हेडलाइट लेवल स्विच ओवर हियर, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने का बटन, हिल डिसेंड, ये स्क्रॉल अप डाउन करने का, आई डोंट नो किस चीज़ का है, मेन्यू का है किसका है, ये मेन्यू का बटन, बैक बटन, क्रूज कंट्रोल बटन्स, वॉल्यूम कॉल, मतलब काफ़ी सही कर दिया यार। प्लस इसकी जो पूरी रूफ है वो उतर जाती है। पीछे के स्पीकर यहाँ दिए हुए हैं, स्पीकर, ट्विटर्स, ये इसकी बीच की लाइट,
बहुत तेज है यार। तो अभी मेरे पास चाबी नहीं है, वरना मैं इसको ऑन करके भी दिखाता, वो थोड़ी देर में शायद आपको दिखा दूंगा। और यहाँ ऐसे क्लाइमेट कंट्रोल के बटन्स एंड सम अदर बटन एज वेल। नीचे यूएसबी पोर्ट हैं, ऑक्सिन है एंड सिगरेट लाइटर का सॉकेट। और यहाँ पे ना एक प्लेट लगी हुई है विच आई रियली लाइक, ये देखो। तो इस पर सीरियल नंबर भी लिखा हुआ है कि ये कौन सी है। मेड इन इंडिया विथ प्राइड, अमेजिंग मैन, रियली नाइस। पीछे से देख लो तो ये वाली सीट अभी फोल्ड हुई है, ये देखो ये ऐसे उठ जाएगी। एंड एवरी साइड इसकी जो रूफ है वो डिटैचेबल है, आप इसका ये वाला पार्ट और पीछे का ये वाला पार्ट निकाल सकते हो, फिर बीच में आपका ये पूरा पिलर रह जाएगा। प्लस पूरा रोल केज लगा हुआ है इसमें, ये देखो, एंड सीट बेल्ट भी उसी में ही है। सो दिस इज़ रियली नाइस। पावर विंडो कंट्रोल यहाँ है, मैनुअल। प्लस अगर इसको 4x4 में करना हो, यहाँ पे है उसका गियर। और ये देखो इसका स्पेयर टायर उतरी है, तो बिना स्पेयर टायर के कुछ ऐसी दिखती है। एंड वन मोर थिंग, अटेंशन टू डिटेल, लाइट में भी थार लिखा हुआ है और लाइट्स भी बहुत अमेजिंग है इसकी। मतलब मुझे पर्सनली ये कार बहुत अच्छी लगी, रियली लाइक डेट। अलॉयस का जो डिज़ाइन है जो कंपनी से आ रहा है वो भी बहुत सही है। प्लस यहाँ पे एक मर्सिडीज E220D है, ये डिटेलिंग के लिए आई हुई है। एज यू कैन सी रवि भैया लगे हुए हैं। सो लॉट्स ऑफ थिंग्स हैपनिंग टुडे एट ऑटोबॉट। चेक आउट द इंटीरियर गाइस, लुक्स अमेजिंग मैन। प्लस ये जो वुड का कलर है ना, बहुत अमेजिंग लग रहा है यार। एंड चेक आउट द कार, दिस इज व्हाट यू कॉल लग्जरी मैन। बहुत अमेजिंग लग रही है। बीच में देखो ये पूरी स्क्रीन है। एंड डुअल सनरूफ एक्चुअली, एक आगे एक पीछे। आगे वाला ओपन होता है, पीछे वाला आई डोंट थिंक ये ओपन होता हुआ होता है, पीछे वाला भी होता है गाइस। सो दिस इज द न्यू शेप। सो गाइस, आई जस्ट सॉ सो मच इज़ गोइंग ऑन एट ऑटोबॉट्स टुडे। एंड थार के अभी PPF शुरू होने वाली है, तो थोड़ी देर में आपको उसका भी थोड़ा प्रोसेस दिखा दूंगा। तो मिलता हूँ आपसे एक सेकंड बाद। सो हेयर्स अनदर अपडेट गाइस, टेल लाइट्स खुल चुकी हैं, डोर हैंडल खुल गया है, स्पेयर टायर का जो फ्रेम होता है जिस पर स्पेयर टायर लगता है वो भी खुल चुका है। इधर सन्नी भैया ने अंदर का डोर पैनल भी खोल दिया है, क्योंकि इधर का डोर हैंडल भी खुल रहा है। अच्छा, वो उमेश कह रहा है उसने भी खोला है, तो इसको भी कमेंट्स में क्रेडिट दे देना थोड़ा। और ये देखो चाबी भी लग गई है, तो तब मैंने आपको स्क्रीन नहीं दिखाई थी, ये देखो। और स्पीडोमीटर ऐसा दिखता है। सो पर्सनली आई रियली लाइक दिस, बहुत अच्छी लगी मेरे को। मोमेंट्स लेटर, सो फाइनली गाइस PPF का प्रोसीजर चालू है। सो लेट मी शो यू, वैसे तो पता ही लगेगा, एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस फिल्म। ये देखो यहाँ हो चुकी है, आपको एजेस दिखेंगे, ये देखो। प्लस पीछे भी देखो, तो यहाँ ये सारी हो चुकी है, बट पता ही लगेगा, यू कैन ओनली मेक आउट फ्रॉम दिस एरिया। इसकी अभी कटिंग होगी, एंड यहाँ पे भी ये देखो, तो टेल लाइट के लिए भी ये सारी कटिंग होगी, उसके बाद टेल लाइट लगेगी,
सो गाइस, जो आप यहाँ से लेके पूरा ऊपर और ये नीचे तक पीस देख रहे हो, ये सिंगल पीस है, तो आप सोच लो कि इसको लगाने में कितनी मुश्किल आती होगी। पूरी शेप यहाँ से, ये पतला पिलर, फिर नीचे पतला रनिंग बोर्ड, ये पूरा एक सिंगल पीस में लगा है। सो दिस इज़ नॉट एन ईजी टास्क टू डू, बहुत मुश्किल होती है। प्लस स्कॉट ऑक्टाविया खड़ी कर दी है वहाँ, उसमें जो फॉग लैंप में प्रोजेक्टर लग रहे थे वो भैया ने लगा दिए हैं, अब उसकी टेस्टिंग शुरू होगी। ये देखो, ये भैया ने प्रोजेक्टर लगा दिए हैं इसमें। मेरी शक्ल भी दिखा दो। आपकी शक्ल दिख रही है उस्ताद जी? विनोद भैया कह रहे हैं मेरी शक्ल भी दिखा दो। हाँ, बाल सेट करते हुए तो अभी इसमें लगा के फिर इसकी जो पोजीशनिंग है, फोकसिंग, वो सेट करी जाएगी। सो गाइस, दोनों प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स भैया ने इंस्टॉल कर दिए हैं, एज यू कैन सी। और एक बार इसका आउटपुट देखो, एकदम सीधी लाइन बन रही है, विच इज़ ग्रेट। दादी जस्ट सॉ ग्लिम्स ऑफ की पेंट प्रोटेक्शन फिल्म कैसे लगाई जाती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है, यहाँ तक देखिए, देन लाइक ज़रूर कर देना। कोई भी क्वारी हो कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। बाकी ऑटोबॉट्स का नंबर डिस्क्रिप्शन में है। इफ़ यू हैव एनी क्वारी रिगार्डिंग एनी थिंग, कस्टमाइजेशन, रैपिंग, एनी थिंग, यू कैन कॉल देम एनी टाइम। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, टेक केयर, पीस आउट।